साड़ी का पहला प्रोमो आउट हो चुका है, सभी काफ़ी एक्साइटेड है आप लोगों के इंडिविजुअल प्रोमोज भी, एंड जो एक काफ़ी खतरनाक प्रोमो आउट है, क्या कहना चाहेंगे? आप बताओ। जी मेरे से स्टार्ट करेंगे। मुझे लगता है कि वो जो शो है वो वो जो शो है खतरों जो शो है उसमें हमें अगर अपने आप को प्रूव करना है तो हमें स्टंट करने पड़ेंगे। वो स्टंट वाला शो है ना कि बोलने वाला। तो अगर आप उसको भी वही शो समझ रहे हो, आई थिंक बिग बॉस इज़ अ डिफरेंट शो, खतरों इज़ अ डिफरेंट शो। एक अगर कोई डांस शो हो रहा है वो डिफरेंट शो होता है। तो अगर हम डांस शो में गए, अगर हम वहाँ पे भी फाइट कर रहे हैं और हम डांस नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं। आई थिंक अगर हम खतरों में हैं तो हमें स्टंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कि ना कि हम लड़ाई पे में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो अगर कोई एक बार बोल रहा है, दो बार बोल रहा है, निगलेक्ट कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, तीसरी बार वो अवॉइड नहीं होता। तो स्टंट इज मोर इम्पोर्टेंट रेदर देन सिर्फ बोलना। ये कब हुआ? डेट तो तुम रोमेनियन के साथ गए थे? नहीं मैं स्पेशल नहीं हुआ, अभिषेक सब लड़की के साथ फ्लर्ट करते हैं। ये रोमेनियन क्रू के साथ डेट पे गया था। नहीं नहीं, मुझे रोमेनियन लड़कियां बहुत सुंदर लगती हैं, बहुत ज्यादा, बहुत सुंदर थी यार। मैं लड़कों को तो बता दूं, भाई जाके आना एक बार। शी इज कमिटेड। तो वो हैं अभी। हाँ यार, बहुत सैड हूँ मैं। जैसा आपने कहा कि आप भी पूछोगे, सच सच बताओ। सर अगर मैं अभी बता दूंगा तो टीआरपी कम हो जाएगी। मैंने तो बहुत इंजॉय किया सच में। मैंने तो किसी ने इंजॉय किया। अरे शिमोना जी क्या खा पी के आई है यार। बट आई थिंक, अरे सुनो, सोच आई थिंक लोग एक्सपीरियंस बनता है, और आई थिंक हमारा बैच बहुत सही था। सब लोग बहुत, ये कंपटीशन है पर सब लोग बहुत मोटिवेटिंग था, और सब लोग बहुत दूसरे को सपोर्ट भी किया, और ये बहुत ही पॉजिटिव बंच था जो क्रू, क्योंकि कंटेस्टेंट्स तो एवरी ईयर नए आते हैं। हम जेन्युइनली खुश था जब एक इंसान अच्छा काम किया, और हम जेन्युइनली सैड था जब मे बी यू नो किसी ने नहीं अच्छा किया या कोई परफॉर्म नहीं कर पाता था, तो एक्चुअल में बुरा लगता था। और बहुत सब इतने अच्छे लोग थे, हम सब लोग इतने घुल मिल गए थे एक साथ कि बहुत मज़ा आ रहा था। yeah, एक इंसान के जाने के बाद तो मज़ेदार एक्सपीरियंस। खुद के लिए बात है। सो ये कुछ एक कॉकरोच वॉकरोच लेके डालते हैं, है ना? क्या शुमोना जी को तो किसी चीज का फोबिया नहीं था भाई। शुमोना जी किसी से नहीं डरती थी। शुमोना जी किसी भी चीज से डरी नहीं था इनको, बिल्कुल। अच्छा ये वाला कर लेते, ये वाला कर लेते, ये तो ये तो कर ही लूंगी। बट एक्चुअली और इनको तो था, अगर इनके कॉकरोच वहां पे भी है ना इतनी दूर करेंगे यहीं से। So now are we okay? Have you seen a cockroach at home? नहीं नहीं, मतलब कुछ फोबिया ओवरकम नहीं हुआ अभी तक कॉकरोच के साथ ठीक नहीं हूँ। पर मतलब मैं बहुत खुश हूँ वो मौका मिला, यू नो, बिकॉज रेगुलर लाइफ में ये सब चीज़ आप कभी नहीं कर सकते। तो एट द एंड ऑफ द डे ये एक्सपीरियंस बहुत बड़ा ब्लेसिंग था, बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी था, और आई थिंक आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। हिंदी मैंने सिखाई है। इंग्लिश तो मुझे इंग्लिश हम सबकी खराब हो गई इसके चक्कर में। इसके और रोमेनियन के चक्कर में हमारी इंग्लिश खराब हो गई। लहजा का मतलब बताओ, लहजा का मतलब। तो हमारी कॉन्वर्सेशन ऐसी होती थी, मैं हिंदी में कुछ ऐसा लव्स, जैसे लव्स इसको पता नहीं हो, लव्स यूज कर लेता था, तो बोलते लव्स का मतलब। अब मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको इंग्लिश में कैसे बताऊं, मेरे आसपास कोई है नहीं इंग्लिश में बताने वाला।
मैंने कहा तुम तीन चार ऑप्शंस दो मैं तब बताऊंगा कि अच्छा इसमें से ये चूज कर लो आप। अच्छा अभिषेक भाई जी, सर सर आपको किसने गलत फहमी बताई लड़कियों को इम्प्रेस कर ले शिमोना जी बहुत झूठ बोल रही है कहाँ इम्प्रेस किया मैंने सारा आंखें दिखाई सारा कहाँ इम्प्रेस हुई है सारा दी एक मेकअप क्रू में बहुत सुंदर थी वो भी रोमेनियन रोमेनियन मैंने रील भी बनाई है उनके साथ वो भी कमिटेड पर इनको इनको देना है वो बहुत बहुत एफर्ट डालते हैं बहुत हार्ड वर्किंग बंदा है बहुत ट्राई करते हैं किस पे सब चीज पे कई कईयों में मैं ट्राई नहीं करता पर वो खुद ब खुद हो जाता है अब मैं क्या करूं जैसे जैसे आप मुंबई लौट के बारिश के गाने पे डांस किए या नहीं आप गाने बहुत सारे आ रहे बारिश पे डांस मत हुआ अभी रिसेंटली जो गाना है उस पे व्हाट आर यू डूइंग यू आर डांसिंग ऑन सॉन्ग्स व्हाट अरे वो डीप डीप बातें चल रही हैं। What is this out of context? ये बहुत डीप बातें चल रही हैं। Guys ये पर्सनल कॉन्वर्सेशन बाहर प्लीज। One on one please. Yeah one on one please. सुमना जी जैसे अभी अभिषेक ने कहा है ना आप स्टंट के लिए एकदम अरे नहीं यार when you see the show you'll know मुझे फोबिया किसी पर्टिकुलर चीज का जैसे इसको क्रीपी क्रॉलीज या इसको पानी का क्लॉस्ट्रोफोबिया तो वैसा कोई पर्टिकुलर फोबिया नहीं था बट कोई भी स्टंट जो कोई भी नॉर्मल स्टंट नहीं था सभी डिफिकल्ट स्टंट्स थे करने के पहले सबकी फटती थी टू बी वेरी ऑनेस्ट सब कृष्णा ने स्विमिंग खतरों में सीखी है इसको पहले आती अरे हां सही बोल रहा है जो अभिषेक बोल रहा है सही है प्रैक्टिस करते करते बेस्ट स्विमर हो गई वहां की सच में अभिषेक मेरा टीचर है मेरे को तो बिल्कुल नहीं आता भाई मैं पानी से बॉर्डर एक फोबिया में छोड़ा हूं लिफ्ट वाला पानी वाला लेके आया हूं कि भाई तुम आज लिफ्ट में आए थे हां कृष्णा के साथ या एक्चुअली वो लिफ्ट में आया एनी बेस्ट मेमोरी आप लोग शेयर करना चाहोगे बेस्ट मेमोरी आई थिंक यू नो जो मुझे बहुत पसंद आया स्कूल में यार स्कूल जो मुझे बहुत पसंद लगा था हम सब बहुत अलग-अलग पर्सनालिटी है पर हम बहुत मतलब हमारा बॉन्डिंग बहुत अच्छा हुआ सबके साथ So I think you the know jacuzzis, everything. Yeah, everything. Jacuzzi. वही बोलने लगा ना कि मैं first time jacuzzi में गया था. मुझे पता ही नहीं था क्या होता है. फिर इसने बताया. कौन सा वाला पीले? वो जो अमीरों वाला. अमीरों वाला. मैं बोल रहा था अमीरों वाले jacuzzi में जाना. तो हमारे दो थे. एक हमारे होटल में था. एक बगल वाले में था. जहाँ पे ये crew अमीर लोग रहते थे. हम लोग गरीबों वाले. तो मैं पहली बार अमीरों वाले जकूजी में गया और कृष्णा ने बताया कि इसमें से प्रेशर आता है तो पीठ शोल्डर ये सब ठीक होते हैं तो मैं तो वहीं बैठा रहता था मैं क्या वाह क्या लाइफ दे रहे हैं कलर्स वाले ये आप जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन लेके आते हो ना यहाँ बैठ के आप सोचते हो ना पहले बैठ के अच्छा 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 अब ये बनाती हूँ मैं हाँ बताइए झगड़े नहीं मैम रोहित सर ने एक चीज सिखाई थी कि जो हो गया जैसे मैं स्टंट परफॉर्म अच्छा नहीं कभी कर पाया तो मैं बहुत सैड हो जाता था कि यार अच्छा नहीं हुआ तो सर ने मेरे को एक चीज़ सिखाई जो हो गया ना उसको वहीं छोड़ दे और आगे बढ़ तो मैंने वो अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई किया कि जो हो गया अगर मेरा लास्ट डे ख़राब है तो मैं उसको साथ में लेके आगे नहीं चलूँगा मैं एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ने की ट्राई करूंगा तो मैं वहीं पे छोड़ा है फिर रोहित सर ने इस सीजन के सारे कंटेस्टेंट्स को कॉम्प्लीमेंट्स लिए हैं और ये भी कहा है कि बेस्ट यू नो सीजन रहा है व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस अवार्ड किसने किया था सबसे ज्यादा ये तो वो सीजन है जिसमें हार्डली कोई अवार्ड हुआ है सो हां बट आई थिंक सब आपको 27 जुलाई से ना या रात को 9:30 बजे प्लीज देख लेना आप लोग देख लेना यार एवरी सैटरडे संडे कलर्स टीवी पे ये आपको जुलाई 27 एवरी सैटरडे एंड संडे नहीं ये आपको सितंबर अक्टूबर में जुलाई पर उसके लिए आपको जुलाई से देखना पड़ेगा यस डेफिनेटली ओके लास्ट क्वेश्चन पर यस जो आई डोंट नो कौन बोला था पर आई बिलीव ये सीजन यू नो बहुत बहुत अच्छा होगा बहुत एक्साइटिंग होगा ऑडियंसेस के लिए बिकॉज सब लोग बहुत स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर्स था तो एंड तक तुमको पता नहीं चलेगा और कौन जीत सभी ने बहुत अच्छा भी किया है और फिर बहुत बुरा भी किया चलता था कौन जीत जाता है तो यू नो हर सीजन में आई थिंक लास्ट सीजन में आल्सो क्रू लाइक क्रू भी हमें बोल रहा था कि यू नो डीनो कंसिस्टेंटली बहुत तो मिडवे थ्रू यू नो तो वो नहीं होगा इसमें एवरीवन विल बी सिटिंग ऑन द एज
कि अब इसने अच्छा किया, अब इसने अच्छा नहीं किया, अब अच्छा किया, अब अच्छा नहीं किया, तो वो तो स्टंट्स में भी मजा आएगा और आपको ड्रामा भी भी दिखेगा. तुम भी थी ड्रामे में. थैंक यू. थैंक यू.